दोस्तों नमस्कार, अभी हम हैं पटना में और हमारे साथ है बिहार के मशहूर जादूगर। बहुत से लोग जो है अंधविश्वास में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, तो अंधविश्वास में कैसे न पड़े, अपने जीवन को बर्बाद न करें, वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे। जब वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है लोग अंधविश्वास में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो मेरे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी हमारे दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम। हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से यह दिखाना चाह रहा हूं कि बागेश्वर बाबा का प्रोग्राम हो या किसी भी बाबा का प्रोग्राम हो, हाँ, जब भी प्रोग्राम होता है तो उनके विश्वास में पड़ करके लाखों लाख लोगों के संख्या में वहां लोग पहुंच जाते हैं। गैदरिंग होता है सो होबे करता है, कुछ दिन पहले सुने होइएगा कि गैदरिंग में कितने हजार लोग मर गए हैं यूपी में। तो इस चीज़ को आप लोगों को पर्दाफाश करने के लिए आप लगातार लगे हुए हैं सभी चैनल पर, हम भी किसी न किसी चैनल पर देख करके ही आपके पास आए हैं। तो हम चाहते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से भी आप दर्शकों को, हमारे व्यूअर को बताएं कि अंधविश्वास क्या चीज़ है। देखिए क्या होता है ना, जब व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, उसके जीवन में संकट आता है तो कुछ सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सहारा कोई अच्छे व्यक्ति के पास ना जा करके, भगवान की पूजा ना करके व्यक्ति किसी ऐसे चमत्कारी व्यक्ति के पास चल जाता है जो व्यक्ति दावा करता है कि मेरे पास दैवीय शक्ति है, मेरे पास सिद्धियां हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कोई सिद्धि विद्धि नहीं होती है, कोई दैवीय चमत्कार नहीं होता। भगवान है, भगवान की पूजा कीजिए, भक्ति भजन कीजिए, मैं भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई दावा करें कि मैं मन की बात पढ़ रहा हूँ, पर्ची पर लिख दे रहा हूँ, ऐसे बकवास में बिल्कुल ना पड़े। आप अपने मन की बात जानते हैं, आपके मन की बात कोई दूसरा बाबा जान गया, उसने पर्ची पे लिख दिया या बता दिया, तो उससे आपके दुखों का हरण नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है जनता ना, कि जैसे ही देखती है कि अरे वाह बाबा मेरे मन की बात कैसे जान गए, किसी भी माध्यम से जान गए। हम जादूगर भी जानते हैं, ये ट्रिक है, हम जादूगर जानते हैं तो हम कहते हैं ट्रिक है। मन की बात जान गया, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, अरे बाबा मेरी मन की बात जान गया, बाबा के पैर पकड़ लो, बाबा के पैर धो के पियो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी दुख की घड़ी आए आप बिल्कुल पूजा कीजिए, ध्यान कीजिए, भगवान पे भरोसा रखिए कि दुख आया है तो दो चार छः महीने में सुख की घड़ी आएगी, दिन बदलेगा, समय बदलेगा। बाबा के चक्कर में जाके लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हैं। अभी मैंने इंटरव्यू दिया, मिलियंस में गया है। बाबा के चेले कहिए या जितने अंधभक्त हैं, बहुत सारे लोग धमकियाँ देते हैं मुझे फ़ोन करके कि बाबा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। मैं डेफिनेटली बोलूँगा, जो लोग गलत कर रहे हैं गलत का मैं विरोध करता हूँ, भले ही आप कुछ भी कीजिए, मुझे खिलाफ का है तो सच्चाई आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल अंधभक्त तो खिलाफ वाला कोई अंधभक्त तो अंधभक्त कौन है? अंधभक्त बेसिकली गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जिन्होंने जीवन में कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी। मैंने पढ़ा है, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चमत्कार नहीं। जो दावा करता है वो आपको ठगने का काम कर रहा है, साफ तौर पर ठगने का काम कर रहा है। और जो ठग रहा है उसको भी पता है कि मैं ठग रहा हूँ, जनता को बेवकूफ़ बना रहा, बट उसको घूमना है, पैसा कमाना है, बड़ी बड़ी मर्सिडीज़ में बैठ के घूमना है बाबा को। चलिए मैं एक चमत्कार आपको दिखाता हूँ। बाबा चमत्कार दिखाते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई नाम नंबर प्रश्न सब मैं लिख देता हूँ पर्ची पे डायरी पे, एग्जाम्पल मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। आपको एक दो नंबर सोचिएगा मन में, मतलब कोई भी नंबर हमको सोच लेना है, कोई भी नंबर आप बताइएगा नहीं हमको। अच्छा ठीक है, हम लिख रहे हैं, ठीक है। पकड़िएगा पेंसिल, हमने इस पर्ची पे आपके मन में जो नंबर आपने कहीं बताया है? नहीं बताया है। कहीं पर्ची पे लिखा है? नहीं। कुछ नहीं किया? कैमरा वाले भाई साहब किन्हीं को नहीं बताया, किसी को नहीं जानकारी, मैंने लिख दिया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ऑन कैमरा आप बताइए कि कौन सा नंबर आप सोच रहे थे मन में। तीन। और आपको लगता है कि मैंने लिख दिया है? पता नहीं, हमारे जनता को दिखाइएगा, दिखाइए मैं चाहता हूँ दिखाइए। तो सही में लिख दिया तीन, दिखाइए इस पर क्या है? तो तीन लिख दिया, हम तीन ही मन में सोचे थे और किसी को बता भी नहीं थे। यही सच्चाई है कि बाबा लोग जो मन की बात को बताते हैं इसी तरह बताते हैं, जबकि ये बाबा नहीं है, यह ट्रिक है। मैं कलाकार हूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ जी कि बाबा कैसे पर्ची बनाते हैं। आप मेरे पास दो दिन आइए, मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा, पूरा सिस्टम बताऊंगा कि बाबा का पूरा सिस्टम कैसे चलता है, कैसे पर्ची पे लिखा जाता है, कैसे सामने वाले व्यक्ति को रीड किया जाता है।
मैं सारा कुछ एक्सपोज कर मन की बात आप लिख दिए हैं। बिल्कुल, मैं मन की बात बताता हूँ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कला है। अब इसको क्या करेंगे, हम धर्म के आड़ में आपसे ठगी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मेरे से होगा नहीं, ठगी नहीं होगा। ठीक है, आगे कोई नया और भी जो दर्शक और कुछ जाने। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिएगा, अभी बहुत सारे चमत्कार मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक पन्ना लिए हैं डायरी में से, इसको फाड़ के देखिएगा, फटता है कहीं से, चारों बगल से फाड़ के देखिए, नहीं फट रहा है, कहीं से नहीं फट रहा है, देख लीजिए नहीं फट रहा है। अब क्या करना होगा इसको, क्यों नहीं फट रहा आपको समझना पड़ेगा। आपको मैंने शक्ति नहीं दिया, पावर नहीं दिया, पकड़िए। अच्छा, पकड़िए, कागज को फाड़ने के लिए पावर की जरूरत है, और मैंने आपको पावर दिया है, अब फाड़िए। तो आसानी से फट गया, यही चमत्कार है भाइयों दोस्तों। आप लोग अंधविश्वास में ना पड़िए, इसी तरह से जो है बाबा क्या करते हैं, लोगों को ठगने के काम करते हैं। बिल्कुल, अभी मैंने दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाया है, जागरूक करने के लिए मैंने नींबू उड़ाया है। अच्छा। लोग कहते हैं मुर्गी मार दो, ये करो, लोटा उड़ा दो, मैंने सब कुछ किया है। उड़ाने वाले भी काम करते हैं? बिल्कुल, सारा कुछ करता हूँ। और एक्चुअली बाबा जितने हैं ना, वो जादूगरों के पास आके सीखे जाते हैं, वो चलाते हैं सिस्टम, कहीं ना कहीं हम ही लोगों के पास आके सीखते हैं, लेकिन मैं नहीं सिखाता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति सिखा दिया। वो आपके जैसा और लोग भी है, वो लोग बता मैं मेरे पास बहुत सारे फोन आए हैं कि बाबा वाला काम बताइए, सिखा दीजिए, पर्ची पे कैसे लिखा। मैं वैसे लोगों को बिल्कुल नहीं सिखा रहा, सिखाऊंगा वो और जाके पखंड करेगा। तो बाबा लोग तो ठगने के ही काम करेंगे, दूसरा कुछ तो करेंगे ना? बिल्कुल नहीं, आपके मन की बात कोई दूसरा व्यक्ति जान गया, इससे कुछ नहीं होगा, अलर्ट रहिए। ठीक ना, आप अपने मन की बात जान रहे हैं, आप खुद ही सॉल्व कर पा रहे हैं आपके जीवन की समस्या। कोई दूसरा व्यक्ति दावा कर रहा है मेरे पास दैवीय शक्ति है, चमत्कारी व्यक्ति हूँ, दैवीय शक्ति ऐसा कुछ नहीं होता है, ईश्वर है, भगवान है, उनकी पूजा आराधना आप कीजिए। कोई व्यक्ति के अंदर शक्ति, ये बकवास है। आ रहा है साहब, के गड़बड़ आ रहा है। कर लीजिए ना, कागज और करके इंटरव्यू कर लीजिए। एक और कागज, वही कागज है, फिर नहीं फट रहा है। अब एक जब आप शक्ति दी है तो फटा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब अभी फिर वही कागज हाथ में है, लेकिन फट नहीं रहा है। नहीं फटेगा, कोई एक टुकड़ा आप उसको फाड़ के ट्राई कीजिए, नहीं फट रहा है, नहीं फटेगा। ठीक है, आप छोड़िए उसको, फेंक दीजिए, इसको पकड़िए, मैं आपको शक्ति दूंगा, फाड़िए दिखाई लो। हाँ, ये कौन सा काला है भाई कि आप कपार पर हाथ धो दे रहे हैं तो फट जा रहा है? ये तो ओरिजिनल शक्ति ही दिया हुआ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये कला कैसे है? मैं इसको कला का नाम देता हूँ। देखिए 64 कला है, 64 कलाओं में जादू सर्वोपरि कला है, जैसे संगीत है, पेंटिंग है, सब आर्ट है, जादू भी एक आर्ट है। इस फील्ड में आप आएंगे आपको समझ आएगा कि ये आर्ट कैसे है। ठीक है, क्या क्या दिखाते हैं? और बहुत सारी वीडियो में दिखाएंगे तो लंबा वीडियो होगा, कुछ और दिखा भी दीजिए। जैसे लोग कहते हैं मैं पैसों की बारिश करता हूँ। अच्छा। बहुत सारे बाबा लोग, मैं भी पैसों की बारिश करता हूँ। आप देखिएगा एक कागज नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल कागज है, चेक कीजिए, नॉर्मल कागज। ठीक है, नॉर्मल है। अभी क्या करेंगे, लोगों को पसंद क्या है, डेफिनेटली पैसा ही। पैसा हर लोगों को पसंद, हर लोगों को पसंद है। अभी यहाँ पे कागज है, 1 2 3 करेंगे और देखिएगा ये पैसा बन गया है। मैं चाहता हूँ आप चेक करें, ये असली तो गांधी जी का है, ये तो पैसा है, ये असली है। गांधी जी का पैसा है। तो आ गया सो आ गया, लेकिन कागज कहाँ चला गया? हेलो, असली है। इसको तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि जादू है, लेकिन ओरिजिनल में कला है। कला है, नाम देखिए, नाम तो कुछ रखना पड़ेगा। तो जादू आर्ट का नाम जादू रखा गया, मैजिक रखा गया है। लोग हाथ की सफाई बोलते हैं, आंख बंद नजर बंद बोलते हैं, नाम अनेक है, 10 गो नाम है, कला है सिर्फ। ऐसे कुछ आप अपने मौखिक रूप से बता दीजिए दर्शकों को कि इस तरह के क्या क्या चीज़ आप दिखाते हैं। मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो आप कल्पना कर सकते हैं, जो भी आप सोचिएगा कि जादूगर क्या कर सकता है, मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ, हर वो चीज़ कर सकता हूँ। बड़ा बना सकते हैं, क्या करना है इसको? बड़ा नोट बनाना है इसका। बड़ा नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आपने दिया है, आप भारतीय मुद्रा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ, मैं जादूगर हूँ। कितने का नोट है? ये 20 का है। किसका है? मेरा है। मेरा। अभी मैं मजेदार चीज आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, क्या करूँ बताओ, बताओ। तो डबल कर दीजिए। डबल करूँ? लालच नहीं करना है बाबा, हम लेंगे नहीं, आपको दिखाने के लिए। देखिएगा मैं क्या करने का सोच रहा हूँ, रुक जाइए, मैं सोच रहा हूँ इसको 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 कुछ और करते हैं। देखिएगा,
आप ट्राई नहीं कीजिएगा, हम पहले ही बोल दिए भारतीय मुद्रा के साथ छेड़छाड़ नहीं। ये आपका 20 रुपये का नोट है, हमने क्या किया है फाड़ने के बाद 1 2 3 ये चेक कर लीजिए, चेक कीजिए ना, कैमरा में दिखाइए, हमारे कैमरा में जितने भी बहुत एकदम है, आप मेरे सामने फड़े और ये छूट गए आपने और आप हमसे मिले हुए हैं? नहीं अभी, हम खुद जाना बसर आए हैं, अभी रैंडम अपना नोट दिए हैं। जी जी रैंडम दिया आपको, आप हमसे मिले हुए नहीं है कि हमने कुछ सेटिंग किया, कुछ प्रथम बार देखे हैं आप? जी हम पहली बार देखे हैं। तो क्या इसको आप चमत्कार मानेंगे, क्या मानेंगे आप? लोग ऐसे ही, लोग ऐसे ही लोगों को पूछते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये चमत्कार है, कला एक तरह का कला है, बिल्कुल, जो हर किसी के पास नहीं होता है। बिल्कुल ये आपके पास वो कला है, बिल्कुल, जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल इतना कड़कड़िया नोट भी नहीं था, आपने कड़कड़िया कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, थैंक यू। एक चीज मेरे दर्शकों को आप बताइए, आपकी कला को लोग देख रहे हैं जी, अगर किसी फंक्शन पार्टी में आपको अगर बुलाना चाहे जी, तो क्या आप फंक्शन पार्टी में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकता हूँ, और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको एक नंबर दे दे रहा हूँ, मैं पर्सनल नंबर मेरा एक लीक हो गया है, तो बहुत मुझे लोगों ने परेशान किया है, मैं एक और नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? और सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बिना मतलब के लोग कॉल नहीं करेंगे, अगर जिनको जरूरत जो लोग समझेंगे वो लोग कॉल करेंगे, कॉल करके काफ़ी लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं, परेशान करने कृपया ना करेंगे। मैं आपको नंबर नोट करवा दे रहा हूँ, 8986089031, ये नंबर है, आप वीडियो को पीछे करके भी नंबर नोट कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए, कभी नहीं उठाया मैं तो। गांव में बहुत महाजग लगता है महाजग में देखते हैं कि जादूगर लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा आपका भी प्रोग्राम किसी महाजग में? हाँ बिल्कुल, आप मुझे बर्थडे में, रिसेप्शन में, शादी फंक्शन में, महायज्ञ में, अपने गाँव में, कहीं पर भी मुझे बिल्कुल निमंत्रण कर सकते हैं, मैं मुझे आमंत्रित कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आऊँगा और मैं अपनी कला को दिखाऊँगा, आपका मनोरंजन करूँगा। हाँ चार्ज तो ऑफकोर्स चार्ज है जी, तो मैं आज ही आपको निमंत्रण कर दे रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से भी लोगों को बता दे रहा हूँ कि 2025 में, सामने 2025 आ रहा है, 2025 में मेरे ही गांव में, मेरे ही घर के बगल में, और मैं ही महाजग करवा रहा हूँ। चलिए मैं जरूर आऊँगा और आपका ये निमंत्रण मैं स्वीकार करता हूँ, मैं जरूर आऊँगा। तो इनका जादू जिनको भी देखना हो 2025 में मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड के दरिया छपरा गांव में जो महाजग लगने जा रहा है, उस महाजग में आप लोग आकर के इनकी प्रोग्राम को देख सकते हैं। और जिन भाइयों को अपने फंक्शन में, किसी भी पार्टी में अगर बुलाना चाहते हो तो हर पार्टी में जाने के लिए तैयार है, और जा कर के इस तरह के जादू दिखाएंगे जिससे आप लोगों का जो है, जो अंधविश्वास जो गांव में फैला हुआ है और लोग ठगैती का शिकार बनते हैं, उस चीज़ से बचेंगे और आपके फंक्शन का रौनक भी बढ़ेगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में। जय हिंद जय बिहार।